जिंदगी ना इस साइकिल के सहारे नहीं चलती। अरे मेरे प्यार का साइकिल से क्या मतलब, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मैं ना तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ तुम्हारे इस प्यार का, ये प्यार मुझे गाड़ी में घुमा सकता है, मेरी मनपसंद चीज दिला सकता है मुझे। अरे अगर तुम साथ रहोगी तो हम एक दिन जरूर कर लेंगे। कैसे, इस साइकिल पे घूम घूम के तुम इस साइकिल से आगे कभी नहीं बढ़ सकते, और मैं इस साइकिल के सहारे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे तुम मुझे एक मौका तो दो। तुम्हें ना पता नहीं है, मेरे एक्स के पास ना बाइक थी, और उस बाइक पे बैठ बैठ के ना मैं थक चुकी थी, और तुम्हें लगता है मैं इस साइकिल के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। खामखा मेरा और टाइम वेस्ट करा, और सुन तू ना कोई साइकिल पे घूमने वाली ढूंढ ले। अबे यार ये पिज्जा वाला कहाँ रह गया, दिखा तो अंधी वेरा है। लगता है आ गया। अरे दीप्ति तुम, गगन तुम, ये लो पिज्जा। अच्छा डिलीवरी वाला तुम्हें पकड़ा कर चला गया ये पिज्जा? नहीं तो मैं ही डिलीवरी करने आई हूँ। तुम और एक डिलीवरी गर्ल? हाँ मेरी जॉब है ये। लेकिन इस प्रेगनेंसी की हालत में ऐसी भागम दौड़ी वाली जॉब क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस वक्त का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करना पड़ जाए। मुझे पता लगा था, 2 साल पहले तुम्हारी शादी हो गई है, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए और इनफैक्ट होने वाले बेबी के लिए। वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? करते थे लेकिन 8 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए, और उसी के कारण हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए, जिसकी वजह से मुझे ये जॉब करनी पड़ी। वैसे ना तुम्हारे साथ ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन ना फिर भी मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें ना ऐसे धूप में काम नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पे बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन घर भी तो चलाना है ना, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे यही जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम मेरे ऑफिस में जॉब कर लो ना। तुम्हारे ऑफिस में? हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब का बैठने वाला काम दे दूंगा, उससे तुम्हारी हेल्थ भी सही रहेगी। लेकिन मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगा तुम उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से करोगी। एक काम करो तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। ये है मेरा ऑफिस, यहाँ पे ना मेरे अंडर 17 एम्प्लॉइज पहले से काम कर रहे हैं। गगन मुझे तो लगा था तुम मुझे भला बुरा सुनाओगे, लेकिन तुम आज भी मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं ना जरूर कहता, लेकिन तुम्हें इस हालत में देख के मैं तुम्हें कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझता।
और तुमने मेरे साथ बुरा किया क्योंकि मेरा वक्त बुरा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वक्त अच्छा है। कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना।